देखें भारत समाचार, शुरुआत करेंगे बुलेटिन की पहली खबर के साथ। आपको बता दें कि सिग्नेचर बिल्डिंग पर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सिग्नेचर पर शुरू हुआ सियासत का नया रूप, सिग्नेचर पर सियासत देखिए किस तरह से शुरू हो रही है। आज अखिलेश ने ट्वीट कर सरकार पर कटाक्ष किया, सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जिस बिल्डिंग का शिलान्यास हमारी सरकार में हुआ था, अब आज उसका उद्घाटन किया जा रहा है। सीएम के मीडिया सलाहकार अखिलेश को जवाब देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने भी ट्वीट करके अखिलेश के ट्वीट का जवाब दिया है। मृत्युंजय ने ट्वीट किया है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का ये ट्वीट। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के जिस अत्याधुनिक पुलिस मुख्यालय का शिलान्यास हमारी सरकार में हुआ, अब उसका उद्घाटन होने जा रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश जिस आपराधिक अराजकता से जूझ रहा है, उसे सकुशल दूर करना चाहिए। अब इस पर मृत्युंजय कुमार सीएम के मीडिया सलाहकार, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रदेश को आपराधिक अराजकता का पर्याय बना देने वाले जब ऐसी बात करते हैं तो हंसी आती है। आधे अधूरे काम का श्रेय लेने की होड़ मच चुकी है। आज अपराधी पुलिस के भय से सरेंडर कर रहे हैं, बेल तोड़वाकर जेल जा रहे हैं। उसकी तुलना में अपने शासन को देखिए कि कैसे गुंडे थाने चलाते थे। तो ये मृत्युंजय कुमार का ट्वीट। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि हमारी सरकार ने एक और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर संगठित अपराध का खात्मा किया, वहीं गैंगस्टर, पेशेवर हत्यारों, लुटेरों और अन्य गंभीर अपराध करने वाले लोगों को छूट दी जाती थी पहले, जिसमें आम जनता में व्याप्त भय का माहौल रहता था, लेकिन अब वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। मृत्युंजय का ट्वीट, अखिलेश यादव पर कटाक्ष। आगे उन्होंने क्या लिखा? प्रदेश में वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में गंभीर अपराधों जैसे डकैती, बलात्कार, अपहरण, लूट के अपराधों में फिलहाल अब कमी आ रही है धीरे धीरे। तो पहले अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं बीजेपी पर कटाक्ष, और उसके बाद मृत्युंजय कुमार का ये ट्विटर के माध्यम से ट्वीट। सीएम की मीडिया सलाहकार हैं। अब इसी खबर पे हमारे सहयोगी सीमा भी जुड़ चुके हैं। सीमा आपके पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये सियासत क्यों है। सीमा देखिए, अखिलेश यादव ने आज ट्वीट कर दिया है उद्घाटन के पहले कि जिस मुख्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है वो तो पहले ही सपा सरकार में शिलान्यास के द्वारा शुरू हो चुका था, अब इस पे सियासत आखिरकार क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनके मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया है उसके कटाक्ष किया उस पर और जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पे हमला किया और कहा कि जब ऐसे लोग जो कि अपराधों को बढ़ावा देते थे, जिनकी सरकारों में गुंडे थाने चलाते थे, उन लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो बड़ा हंसी आती है। दरअसल अब सियासत तो इस पूरे मामले में शुरू होनी ही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उस वक्त इस बिल्डिंग का जो है वो शिलान्यास किया गया था, और सरकार बदलने के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में, अब उसका उद्घाटन हो रहा है। इसी तरह से मेट्रो का में भी हुआ था, मेट्रो के उद्घाटन के समय भी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो सभी इस बात का दावा कर रहे थे कि ये अखिलेश सरकार की देन है और इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। उसी तरह से ठीक उसी तरह शिलान्यास को लेकर आज अखिलेश यादव खुद सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि अपराध को नियंत्रित करने के लिए इस बिल्डिंग की शिलान्यास रखा किया गया था। कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उम्मीद करते हैं कि अब इस मुख्यालय से इस पर जो अराजकता का माहौल फैल रहा है उस पर रोक लग सकेगी। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ट्वीट में अपने लिखा है कि जो अपराध बढ़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, इस बिल्डिंग का जो है वो संचालन होने के बाद यहाँ से जो अधिकारी हैं वहाँ इस बिल्डिंग में बैठेंगे, तो अपराधों पे नियंत्रण की उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, ऐसा भी अखिलेश यादव ने कहा है। तो इन सब बातों को लेकर सरकार को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने घेरा है, और उसी का जवाब देते हुए जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और मृत्युंजय कुमार, उन्होंने अखिलेश यादव पे पलटवार किया है। तो सिग्नेचर बिल्डिंग चूंकि उत्तर प्रदेश की एक जानी मानी बिल्डिंग है, पुलिस मुख्यालय वहां पे कायम हो रहा है, और इसका श्रेय लेने के लिए दोनों सरकार के सीमा बिन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को नवनिर्मित पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि डीजीपी इस मुख्यालय में बैठना शुरू कर चुके हैं, यहां से कामकाज भी शुरू हो चुका है, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि करीब 4 बजे के आसपास इसका उद्घाटन किया जाएगा। पुलिस का नया सिग्नेचर, पुलिस मुख्यालय की खूबियां क्या, वो आपको बता देते हैं। 816.31 करोड़ की लागत में बना हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है।
इस मुख्यालय को। इसके साथ ही 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप झेल सकता है ये मुख्यालय। इलेक्ट्रॉनिक का आईडी 500 की दर्शक क्षमता वाला ऑडिटोरियम भी है यहाँ पर। बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड का निर्माण किया गया है। भूतल पर बीएसएनएल का एक्सचेंज भी बनाया गया है। 10 एकड़ बनी 9 मंजिला बिल्डिंग है, कई खूबियों से लैस है और इसकी लागत काफी ज्यादा। हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो देखिए ये खूबियां हैं इस मुख्यालय की जो हम आपको इस ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक आईडी से ही प्रवेश हो सकेगा। 500 की दर्शक क्षमता वाला ऑडिटोरियम भी यहां पर बना है। इसके साथ ही बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड का निर्माण किया गया है। तो देखिए किस तरह से पुलिस का नया सिग्नेचर तैयार हो चुका है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिग्नेचर बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। शाम 4:30 बजे तकरीबन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे और औपचारिक रूप से इस बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। सभी तैयारियां आप देख सकते हैं कि कितनी जोरों पर चल रही हैं। सारी मैट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज इस बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। उनसे आने से पहले ये सब तैयारियाँ जो है वो पूरी की जा रही है, क्योंकि इसमें इस बिल्डिंग में डीजीपी जो ओम प्रकाश सिंह हैं वो जून में ही यहां आकर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन औपचारिक उद्घाटन जो है वो नहीं हुआ था इस बिल्डिंग का। आज औपचारिक उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बिल्डिंग का निरीक्षण भी करेंगे, इस बिल्डिंग का भ्रमण भी करेंगे। हालांकि बताया ये जा रहा है कि पूरे देश में सबसे आलीशान अगर पुलिस का कोई मुख्यालय है तो वो लखनऊ में बन के तैयार है, जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी। अगली खबर औरैया से, जहां पर औरैया में छात्र का मामला, छात्र की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नहर में डूबकर छात्रा की मौत हुई है। वहीं एसडीएम अनुपम शुक्ला भी मौके पर पहुंचे, लोगों को जेल भेजने की धमकी दी है। तो एसडीएम अनुपम शुक्ला मौके पर पहुंचे, लोगों को जेल भेजने की धमकी दी है। एक छात्रा की नहर में डूबने से मौत, उसके बाद यह आक्रोश। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राहुल, देखिए नहर में डूबकर एक छात्रा की मौत हो चुकी है, अब ऐसे में किस तरह से, देखिए एसडीएम अनुपम शुक्ला मौके पर पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं, क्यों? जी शिवांगी जी, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ब्रांच मजिस्ट्रेट है अनुपम शुक्ला आए हैं। जैसे ही आए हैं वैसे इन्होंने जो है लोगों को ब्रिटिश शासन की याद दिलाई है। जिस तरीके से ब्रिटिश शासन में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था, उसी तरीके से लोगों को जो है जेल पकड़ के जेल भेजने की धमकी देते हुए जो खींच के ले जाने लगे। राहुल, तो देखिए एसडीएम वहां पर पहुंचे हैं लोगों से बातचीत करने के, लेकिन ये जो उनका रवैया है ये बेहद खराब रहा है, इस पर लोगों का क्या कहना है? यही कहना है कि जहाँ प्रशासन से हमें मदद की उम्मीद है और प्रशासन से एक जो है आज लगाए हैं कि प्रशासन मदद करेगा, पुल बनवाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा, सिर्फ एसडीएम पहुँचे। इन्होंने जो है पब्लिक को जो है रौंदने का काम किया, पब्लिक की आवाज दबाने का काम किया, ब्रिटिश शासन लागू करके जो है। बहुत शुक्रिया राहुल इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर, चिन्मयानंद पर यौन शोषण का मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बजे सुनवाई होनी है चिन्मयानंद केस को लेकर। शुक्रवार को जज ने छात्रा से मुलाकात भी की थी और यह भी कहा जा सकता है कि चिन्मयानंद की फिलहाल मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2 बजे सुनवाई होगी, क्या कुछ होगा सबकी निगाहें जरूर होंगी, क्योंकि काफी ज्यादा विवाद में रहा है ये पूरा केस। शुक्रवार को जज ने छात्रा से मुलाकात भी की थी। अभी खबर पर हमारे सहयोगी अवैध जुड़ चुके हैं सीधे। अवैध, चिन्मयानंद केस पर आज सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे के आसपास, क्या तैयारियां हैं चिन्मयानंद के वकील की तरफ से अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे के आसपास सुनवाई होगी। शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि जो पीड़िता लड़की राजस्थान से बरामद की गई उसको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए और जज उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं। उसके बाद फिर देर शाम 6:30 बजे के आसपास वो लड़की पीड़िता जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाई जाती है और कोर्ट रूम में इन चैम्बर जजों ने मुलाकात की, बातचीत की। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की जो है वो दिल्ली में ही रहना चाहती है और दिल्ली में ही माँ बाप से मुलाकात करना चाहती है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एक हॉस्टल में उसके रहने का प्रबंध करा और दिल्ली से पुलिस को ये आदेश दिया। बहुत शुक्रिया अवैध इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर लखीमपुर से, जहां पर युवती ने लगाया गैंग रेप का आरोप। घर से बाहर किया गया अगवाओं से और बाइक सवारों ने युवती को अगवा करके उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। दोस्त के घर ले जाकर इस युवती के साथ गैंग रेप किया गया। घर के बाहर से इन लोगों ने इस युवती को अगवा किया, बाइक सवारों ने युवती को अगवा करके उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम भी दिया।
हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर, उनसे जानेंगे क्या पूरा मामला है। देखिए आज जो बाइक सवार बदमाशों ने युवती के साथ गैंगरेप किया है, क्या कार्रवाई हो रही है इस खबर पर आगे। देखिए जो युवती शहर की रहने वाली, इसका आरोप है कि उसे बाहर निकली थी और उसी वक्त दो बाइक सवार जो युवक थे उन्होंने उसको अगवा कर लिया और एक सीतापुर रोड स्थित जो दोस्त उनका रहता है बदमाशों का वहां पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया है। फिलहाल पुलिस ने युवती के शरीर पर केस दर्ज किया है गैंगरेप का और आरोपी जो है उनकी तलाश शुरू करने के साथ इस युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भी भेजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर हाथरस से, जहां चाचा की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या की गई है। आपसी कहासुनी में ये निर्मम हत्या की गई है। चाचा की हत्या कर भतीजा मौके से फरार। कहा जा रहा है कि आपसी कहासुनी में भतीजे ने अपनी चाचा की हत्या कर दी और फिलहाल ये भतीजा मौके से फरार बताया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शनि जुड़ चुके हैं सीधे। शनि, चाचा की हत्या की है, भतीजा फरार बताया जा रहा है, पुलिस क्या कर रही है, क्या कोई सुराग लग पाया है अभी तक इस भतीजे का? शुभांगी, ये कल ये मामला है सादाबाद के कस्तूर नगर का, जहां पर एक भतीजे ने अपने चाचा की चाकू से गोद कर हत्या कर दी है और वो फरार है और इसमें पुलिस उस पर मौके में दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी के नाम पर पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शमीन तमाम जानकारियों के लिए आपका। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें पूरी होने के बाद आज से सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सभी हिंदू पक्षों की बहस की सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखता हुआ दिखाई देगा। हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं अवैस इस खबर पर। अवैस, देखिए आज राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई होनी है, क्या अपडेट है आपके पास अभी तक? जी बिल्कुल, 10:30 बजे के आसपास चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी और आज पहली बार मुस्लिम पक्ष जो है वो अपने दलील रखना शुरू करेगा। इससे पहले शुक्रवार की अगर बात करें तो शुक्रवार तक 16 दिन की सुनवाई के बाद सभी हिंदू पक्ष ने अपना दलील पूरी कर ली थी। उसके बाद फिर शिया वक्फ बोर्ड को नंबर आया, उन्होंने अपनी दलील में कहा कि वो हिंदू पक्ष की दलील का समर्थन करते हैं और ये ज़मीन उसका मालिकाना हक जो है वो शिया वक्फ बोर्ड के पास है, ऐसे में वो ज़मीन हिंदू पक्ष को देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहाँ पे भव्य राम मंदिर बने। वैसे आप नजर बना के रखिएगा, ज्यादा जानकारी के लिए आपके पास वापस आएंगे। एक और खबर इटावा से, जहां अध्यापक का ट्रांसफर होने पर ग्रामीण नाराज हो चुके हैं। नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में ताला भी लगाया, छात्र और अध्यापक स्कूल के बाहर खड़े हैं, मौके पर नहीं पहुंचा कोई आला अधिकारी। जसवंत नगर परसौवा प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला, तो देखिए जसवंत नगर परसौवा प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला है जहां पर लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं। अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां दंपति की मौत से इलाके में हड़कंप मचा है। दंपति ने गोली मारकर आत्महत्या की है, मुजफ्फरनगर की पूरी घटना, जहां दंपति की मौत के बाद इलाके में सनसनी और उसी के बाद पति ने पहले पत्नी को गोली मारी, कहा जा रहा है यानी कि पति ने पहले पत्नी को गोली मारी फिर उसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। घरेलू कला के चलते यह आत्महत्या हुई है कहा गया है और खतौली क्षेत्र के लाडपुर की पूरी घटना बताई गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, आप बने रहिए भारत समाचार।